थैंक्स फॉर कुछ खास फॉर गिव अ चांस। तो मैं नहीं जानता कि ये शायरी है, ना तो ये शायरी है, ना गज़ल है, ना पोइट्री है। जो आजकल चल रहा है वो सब लिखता हूँ मैं, जो आजकल चलता है। तो सबसे पहले यही अपने फादर साहब के लिए कि मेरे बाप की क्या बराबरी करोगे तुम, कि मेरे बाप की क्या बराबरी करोगे तुम, उसने तुमसे अच्छे अच्छे अपने पैरों के नीचे डाल रखे हैं। कि मेरे बाप की क्या बराबरी करोगे तुम, उसने तुमसे अच्छे अच्छे अपने पैरों के नीचे डाल रखे हैं। और उनसे जो ऊंची आवाज में बात करने की गलती मत कर देना, फाड़ के खा जाएंगे। उसने एक नहीं दो दो शेर पाल रखे हैं। तो यही अपने कुछ दोगले यार होते हैं अपने, तो उन्हीं के लिए कि तुम लड़ाई में किन्हें बुलाने की बात कर रहे हो जो खुद अंदर से खोखले हैं। कि कहते हैं ना कि उसको बुला लो लड़ाई में, उसको बुला लो। कि लड़ाई में किसे बुलाने की बात कर रहे हो जो खुद अंदर से खोखले हैं, और क्या जरूरत है मुझे दुश्मनों की जब मेरे खुद के यार दोगले हैं। तो मैं मथुरा से हूँ, तो उसके ऊपर था एक वही एटीट्यूड से अंदाज में कि यूपी में मथुरा से हैं जनाब, कि यूपी में मथुरा से हैं जनाब, किसी के बाप से डर के नहीं रहते हैं। कि यूपी में मथुरा से हैं जनाब, किसी के बाप से डर के नहीं रहते हैं। और कोई हमसे फालतू बोल जाए फिर देखो किस तरह खूनों के नाले बहते हैं। यही अपना एक छोटा सा एटीट्यूड में कि गांव से हूँ, हमारी हैसियत होती है हमारी औकात नहीं होती। कि छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारी हैसियत होती है हमारी औकात नहीं होती। और मेरे बारे में जानना है तो सिर्फ इतना सुन ले दोस्त, जिस शहर से गुजर जाते हैं ना उस शहर की पुलिस पूरी रात नहीं सोती। एक अपने देश के लिए कि जी जान लगा के मेहनत करेंगे चाहे गर्मी हो या सर्दी। कि जी जान लगा देंगे चाहे गर्मी हो या सर्दी, और पाकिस्तान तुझे तेरी औकात याद दिला दूंगा जिस दिन मिल गई मुझे आर्मी की वर्दी। मैं एक पंडित मतलब परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो उसी के लिए अपने ऊपर लिखा था मैंने कि ब्राह्मण हैं जनाब, न तो किसी से फालतू बोलते और न सुनते किसी की फालतू बकवास। कि पंडित हूँ न तो किसी की फालतू किसी से फालतू बोलते और न सुनते किसी की फालतू बकवास। और जब पानी सर के ऊपर जाता है ना तो वो तो मारा जाता है, चाहे धरती फट जाए चाहे फट जाए आकाश। तो एक लास्ट और है, उसके साथ अपनी लास्ट करेंगे हम, जो मेरी सबसे पहली थी बस वही अपने फादर साहब के लिए कि मेरे बाप ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी हैं तो मुझे किसी बात का कोई गम नहीं है। कि मेरे बाप ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी हैं तो मुझे किसी बात का कोई गम नहीं है। और तुम मनाओ इन आजकल की लड़कियों को अपना भगवान, मेरे लिए मेरा बाप किसी देवता से कम नहीं है।